हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2024-25 को 23 जुलाई को संसद में पेश कर दिया है। और ये जो बजट डॉक्यूमेंट होता है आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एमसीक्यू फॉर्म में इस बजट डॉक्यूमेंट को समझेंगे। आज उसका ये पहला पार्ट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आगे के पार्ट्स भी आप देख पाओगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स रिसीव द हाइएस्ट एलोकेशन इन द बजट 2024-25। आंसर है वुमेन एंड गर्ल्स डेवलपमेंट। सरकार ने इस साल के बजट में औरतों और लड़कियों के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि जो वुमेन है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज करें, उनका जो रोल है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में इनहेंस हो और ओवरऑल जेंडर इक्वालिटी इंश्योर हो। औरतें हमारे पॉपुलेशन का 50% है। अगर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्ट नहीं लेती हैं तो हम कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 50% पॉपुलेशन को इग्नोर करके आज तक कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो पाई है। तो इसीलिए जरूरी है कि फीमेल हमारे वर्कफोर्स का पार्ट बने जिससे हम आसानी से डेवलप हो सके। इस साल के बजट में सरकार ने विकसित भारत के लिए 9 प्रायोरिटीज डिसाइड की हैं, जिनमें से एक प्रायोरिटीज है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस एंड जेंडर जस्टिस आपके आरबीआई ग्रेड बी ईएसआई सिलेबस का पार्ट है, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकार ने प्लान बनाया है कि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इन पे फोकस किया जाएगा। यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाएगा जिससे हम भारत विकसित बना सके। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा और इसका जो इंडस्ट्रियल नोड होगा वो बिहार के गया में होगा, तो इसे आप ध्यान रखना। पूर्वोदय मतलब पूर्व का उदय हो रहा है, सरकार ने ऐसा स्कीम बनाया है, इससे हमारा विकास भी होगा और हमारी विरासत जो हमारे हेरिटेज है वो भी प्रोटेक्ट होंगे। सरकार ने इस प्रायोरिटीज के थ्रू फीमेल को 3 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया है, जिसका हमने अभी डिस्कशन किया। सरकार ने एक और स्कीम शुरू की है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना ट्राइबल पीपल के लिए। इसके अंतर्गत 63,000 विलेजेस को कवर किया जाएगा और टोटल 5 करोड़ लोग ट्राइबल पीपल बेनिफिट होंगे इससे। इससे उनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। सरकार नॉर्थ ईस्ट रीजन में 100 से ज्यादा इंडिया पोस्ट बैंक खोलेगी, जिससे इस रीजन का डेवलपमेंट इंश्योर होगा। तो इस बार पूर्वोदय पे फोकस है, ईस्टर्न स्टेट पे फोकस है, साथ ही साथ सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस पे भी फोकस है। तो इन सबको आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी विलेजेज विल बी कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अभी हमने डिस्कस किया, इसके अंतर्गत 63,000 विलेजेस को कवर किया जाएगा और टोटल 5 करोड़ ट्राइबल पीपल इससे बेनिफिट होंगे, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव किया जाएगा। तो ये जो हमारा इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज है उसके अंतर्गत और सोशल जस्टिस की जो प्रायोरिटीज है उसके अंतर्गत इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है, इसे आप ध्यान रखना। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास एक लाइव मेंटरशिप कोर्स है ईएसआई एंड करंट अफेयर्स के लिए। इसमें हम ईएसआई का कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं और करंट अफेयर्स कंप्लीटली कवर करते हैं आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए। इसमें टोटल 40+ लाइव सेशन लिए जाते हैं, डेली राइटिंग क्वेश्चंस दिया जाता है और इन क्वेश्चंस का 1-to-1 फीडबैक दिया जाता है जब आप आंसर लिख लेते हैं। साथ ही साथ ईएसआई का कंप्लीट सिलेबस करंट अफेयर्स एंड जीए कवर किया जाता है। इसमें मंथली इकोनॉमी, सोशल इशूज, फाइनेंस के न्यूज कवर किए जाते हैं और पीआईबी का भी इसमें कंप्लीट कवरेज होता है इस पूरे कोर्स में। और अगर आपको तैयारी रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप 1-to-1 मीटिंग सेटअप कर सकते हैं। आपको मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाता है इस कोर्स में। आप educare247.in पे विजिट करके इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंडस्ट्रियल पार्क्स अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम आर टू बी सैंक्शंड अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25। आंसर है 12। सरकार ने बजट में अनाउंस किया है कि टोटल 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस इनिशिएटिव का एम यह है कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बूस्ट हो, साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो। सरकार ने इस साल के बजट में मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को प्रायोरिटीज बनाया है। जो इनके 9 प्रायोरिटीज हैं विकसित भारत के लिए, उनमें से एक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज है। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो एमएसएमई सेक्टर अपने आप पिक्चर में आ जाता है, बिकॉज इसके बिना हम मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एमएसएमई को हमेशा क्रेडिट की प्रॉब्लम होती है, तो सरकार ने उसे सॉल्व करने के लिए
क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो, इसे भी आप ध्यान रखना। इन्हें क्रेडिट देने के लिए जो असेसमेंट मॉडल यूज किया जाता है उसे भी नए ढंग से लाया जाएगा, हो सकता है पुराना मॉडल ढंग से काम ना कर रहा हो। जो मुद्रा लोन की तरुण कैटेगरी थी उसमें लिमिट थी 10 लाख की, सरकार ने उसे बढ़ा करके 20 लाख कर दिया है। जो लोग भी तरुण कैटेगरी में 10 लाख का लोन ले चुके हैं वो अब 20 लाख का लोन ले सकते हैं। जब भी एमएसएमई के लिए स्ट्रेस टाइम होगा उस समय सरकार उन्हें क्रेडिट सपोर्ट देगी। साथ ही साथ ट्रेड रिसीवेबल में भी कुछ चेंजेस की गई हैं ताकि उसकी इफिशियंसी इंक्रीज की जा सके। एमएसएमई यूनिट एस्टैब्लिश किया जाएगा फूड में, सेफ्टी टेस्टिंग वगैरह में, क्वालिटी जो फूड क्वालिटी होती है उसे इंश्योर करने में, तो इसे आप ध्यान रखना। बाकी इसकी हमने बात कर ली कि 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे, रेंटल हाउसिंग एकोमोडेशन डेवलप किया जाएगा इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का भी मदद लिया जाएगा। ये डेवलपमेंट पीपीपी मोड में होगा तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया गया है ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे बूस्ट मिले। क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ज्यादा, लैपटॉप बैटरीज, आपको मोबाइल फोन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ईवी में भी क्रिटिकल मिनरल का यूज होता है। तो अगर इसका प्रोडक्शन हम डोमेस्टिकली करेंगे, इसे हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हमारी जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी बूस्ट होगी, इसके लिए इसे शुरू किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने जॉब और इंटर्नशिप के लिए 5 स्कीम शुरू किया है, उसमें से 5th जो स्कीम है वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, और ये जो इंडिया के टॉप 500 कंपनीज हैं वहां इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए अलाउंसेस भी दिया जाएगा 500 पर मंथ का, और वन टाइम असिस्टेंट भी दिया जाएगा 6000 रुपए का थ्रू सीएसआर फंडिंग। तो इसे आप ध्यान रखना, इससे भी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा बिकॉज उन्हें आसानी से वर्कर मिल सकेंगे। सरकार इन वर्कर्स को प्रोवाइड कर रही है बाय गिविंग द मनी, और ये मनी बहुत बार सीएसआर से भी लिया जाएगा, तो इसे आप ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है एमएसएमई सेक्टर आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर द स्कीम ए फर्स्ट टाइमर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। आंसर है 2.1 करोड़। इस बार के बजट में सरकार की एक प्रायोरिटीज है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। बहुत दिनों से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी चल रहा है कंट्री में, और लोग कह रहे हैं कि हम जॉबलेस ग्रोथ की ओर जा रहे हैं, तो सरकार ने इस बार के बजट में टोटल 5 एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम अनाउंस किया है, जिसमें से 3 स्कीम इंसेंटिव लिंक्ड है, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयर होगा या एम्प्लॉई होगी उसे इंसेंटिव दिया जाएगा जॉब मार्केट में आने के लिए। जो पहला स्कीम है फर्स्ट टाइमर का, जो भी फॉर्मल सेक्टर में पहली बार जॉब लेता है उसे सरकार 15,000 रुपए तक देगी, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, और इससे 210 लाख यूथ को फायदा मिलेगा, मतलब कि 2.1 करोड़ यूथ इससे बेनिफिटेड होंगे। जो सेकंड स्कीम है वो है स्कीम बी, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में अगर जॉब क्रिएट होगी तो सरकार एम्प्लॉयर को ईपीएफओ में सपोर्ट करेगी और एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन को भी पे करेगी, तो यह है सेकंड स्कीम, इससे ऑलमोस्ट 30 लाख यूथ को बेनिफिट होगा। जो तीसरी स्कीम है वो है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, जो हम ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन होता है उसमें 2 साल तक 3,000 रुपए पर मंथ सरकार एम्प्लॉयर के बिहाफ में कंट्रीब्यूट करेगी, इससे भी जॉब क्रिएट होंगे और इससे टोटल 50 लाख जॉब जनरेट होने की पॉसिबिलिटी, ऐसा सरकार बजट में बोल रही है। तो इन तीनों स्कीम को आप ध्यान रखना, ये तीनों इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम है। इसके अलावा फीमेल को भी सपोर्ट किया जाएगा, उनके लिए हॉस्टल्स खोले जाएंगे, साथ ही साथ अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हैं तो सरकार आपको 10 लाख तक का लोन भी देगी, तो ये सारे स्कीम्स अनाउंस किए गए हैं। जो चौथी स्कीम है वो है स्किलिंग प्रोग्राम, 20 लाख यूथ को हम अगले 5 साल तक स्किलिंग करेंगे, इन्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मैन्युफैक्चरिंग में ये जाकर के कंट्रीब्यूट कर सके। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास रिसोर्स की काफी कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की, तो सरकार ने ये स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किया है। ओवरऑल जो 5 स्कीम है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग का आप ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड डेफिनेटली सवाल आ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एलोकेटेड अमाउंट फॉर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग इन बजट 2024-25। आंसर है 1.48 लाख करोड़। सरकार ने इस साल के बजट में स्किलिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन के ऊपर 1.48 लाख रुपए एलोकेट किया है, इससे जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो इन्हेंस होगी, लोगों के लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे स्किल किया जाएगा ताकि उन्हें जॉब मार्केट में आसानी से जॉब मिल सके और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो। सरकार का जो बजट थीम है उसमें एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग
टॉप पे है। ये दो टॉप थीम है सरकार के। उसके अलावा है तीसरा एमएसएमई, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और चौथा है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को टैक्स में भी बेनिफिट दिया गया है, और एमएसएमई रिलेटेड हमने स्कीम देखा कि सरकार कैसे उन्हें क्रेडिट से सपोर्ट कर रही है, कैसे उनके लिए सिस्टम आसान बनाया जा रहा है ताकि क्रेडिट मिले। तो ये चारों जो बजट के थीम है, आप ये ध्यान रखना, इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है कि कौन सा इसमें से बजट का थीम था 2024 और 2025 के लिए। एक ऑप्शन होगा जो इन चारों के अलावा होगा, तो आप ये चारों ध्यान रखना। The next question is, according to budget 2024-25, how many high yielding and climate resilient crop varieties will be released for cultivation? Answer है 109। इस बार के बजट में सरकार की एक प्रायोरिटीज है प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस में है, इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए और ये कैसे क्लाइमेट रिजिलियंट हो, सरकार इस पे काम करेगी। इसके लिए जो एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च सेटअप है उसका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा, और वो फोकस क्लाइमेट रिजिलिएंट वैराइटीज पे कर रहे हैं या नहीं ये देखा जाएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें वापस बोला जाएगा कि आप क्लाइमेट रिजिलिएंट वैराइटीज पे फोकस कीजिए, साथ ही साथ आप ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे भी रिसर्च कीजिए। दूसरा जो इनिशिएटिव लिया गया है, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी से जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसे डेवलप किया जाएगा, उसके लिए सिस्टमेटिक प्लान बनाया जाएगा कि कैसे कोऑपरेटिव सेक्टर डेवलप हो। सरकार वैल सीड में भी आत्मनिर्भर होना चाहती है, जो ग्राउंड नट, सोयाबीन और सनफ्लावर रिलेटेड वैल सीड होते हैं उसमें सरकार इंपोर्ट नहीं करना चाहती है, हमें इसमें काफी इंपोर्ट करना पड़ता है। सरकार चाहती है कि इसमें हम आत्मनिर्भर बने, हम इंडिजिनस प्रोडक्शन करें वैल सीड का। वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन पे भी सरकार का फोकस है, जो एफपीओज है उनको प्रमोट किया जाएगा वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन बिल्ड करने के लिए, बिकॉज वेजिटेबल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन का होना काफी जरूरी है, अदरवाइज ये खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए भी सरकार काम करेगी। हमने डिस्कस किया 109 वेराइटीज रिलीज की जाएगी कल्टिवेशन के लिए। इसका एम ये होगा कि ये क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप प्रोड्यूस करें, साथ ही साथ इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल एग्रीकल्चर की वो बूस्ट हो। नेचुरल फार्मिंग पे फोकस होगा। अगले 2 सालों में 1 लाख फार्मर को नेचुरल फार्मिंग के लिए इनिशिएट किया जाएगा, इन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। श्रिम प्रोडक्शन एंड इसके एक्सपोर्ट के लिए भी सरकार काम करेगी और नाबार्ड इसमें लीड रोल लेगा। तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिम प्रोडक्शन एंड इट्स एक्सपोर्ट, तो नाबार्ड विल बी द आंसर। सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूज करेगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। जो भी क्रॉप सर्वे होते हैं उन्हें डिजिटली सरकार करेगी, और 400 डिस्ट्रिक्ट में एम है डिजिटल क्रॉप सर्वे करने के लिए। सरकार जन समर्थ कार्ड इशू करेगी, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं, जिससे फार्मर्स को फायदा हो सके। तो ये ओवरऑल एग्रीकल्चर पे सरकार की प्लानिंग है इस बजट में, जिससे सरकार एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2024-25 एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी? आंसर है 4.9। इस बार के बजट में सरकार ने ये अनाउंस किया है कि उनका जो फिस्कल डिफिसिट होगा इस साल के लिए वो जीडीपी का 4.9% होगा। बेसिकली सरकार का जो रेवेन्यू होता है और जो सरकार का एक्सपेंडिचर होता है, इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है फिस्कल डिफिसिट। ये मनी सरकार को बोरो करना पड़ता है या कहीं और से सरकार इसे पूरा करने की कोशिश करती है। तो ये ओवरऑल जीडीपी का 4.5% होगा। आप समझो सरकार के पास कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं और सरकार इसे कहीं ना कहीं खर्च कर रही है। तो जो सरकार के पास 19% इनकम आ रहे हैं वो इनकम टैक्स से आ रही है, साथ ही साथ जो 5% इनकम है वो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से आ रहे हैं, जीएसटी से 18% सरकार कलेक्ट कर रही है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है उससे 17% कर रही है, और जो ये 27% है ये है बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज। यही मोस्टली होता है आपका फिस्कल डिफिसिट। और सरकार खर्च कहाँ कर रही है पैसे? जो 19% पैसे हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च कर रही है। जो हमने इंटरेस्ट ले रखा है, जो हमने लोन ले रखा है, उसके इंटरेस्ट पे सरकार खर्च कर रही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है उस पे 16% का खर्चा कर रही है। सब्सिडीज पे सरकार 6% का खर्चा कर रही है। डिफेंस पे 8% का खर्चा कर रही है सरकार, तो इसे भी आप ध्यान रखना। जो स्टेट्स के शेयर हैं टैक्सेज में उसमें 21%, बिकॉज जो जीएसटी है स्टेट के बदले वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो इसका 21% स्टेट को जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा जो अदर एक्सपेंडिचर है वो 9% है, इसमें मिसलिनियस सब कुछ आता है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो 8% है। तो ये आप ध्यान रखना कि सरकार पैसे कहाँ से ला रही है और कहाँ खर्च कर रही है। तो जो सरकार के पास रेवेन्यू आते हैं और जो सरकार खर्च करती है उसमें गैप्स आते हैं, वो गैप्स होता है फिस्कल डिफिसिट, उसे सरकार बोरोइंग से पूरा करने की कोशिश करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इनिशिएटिव इज इंट्रोड्यूस्ड टू सपोर्ट श्रिम प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट?
आंसर है सेटिंग अप न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर फॉर श्रिम्प ब्रूड स्टॉक्स। इस बार के बजट में हमने अभी डिस्कस किया कि श्रिम्प प्रोडक्शन पे सरकार का फोकस है और इसमें नबार्ड लीड रोल लेगा। सरकार इसके लिए क्या करेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी जो लोग भी न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर खोलेंगे। इसका नेटवर्क बनाएगी सरकार ताकि जो श्रिम्प का प्रोडक्शन है वो इन्हांस हो सके और इसे हम एक्सपोर्ट कर सके, और क्वालिटी पे भी फोकस होगा और इसके टाइमली अवेलेबिलिटी पे भी फोकस होगा। ब्रूड स्टॉक्स क्या होता है, श्रिम्प प्रोडक्शन के लिए जो मैच्योर फिश होते हैं उन्हें रखा जाता है और ये ब्रीडिंग में हेल्प करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ब्रूड स्टॉक्स। तो इसका सेंटर बनेगा, इसे और इसका नेटवर्क ऑफ सेंटर बनेगा, मल्टीपल सेंटर्स बनाया जाएगा और सरकार इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, तो इसे आप ध्यान रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। आंसर है फंड बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। इस बार के बजट में सरकार की एक प्रायोरिटीज है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D एंड इनोवेशन पे काफी फोकस है। इसके लिए सरकार अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड को ऑपरेशनलाइज करेगी जिसका एम होगा बेसिक रिसर्च को सपोर्ट करना और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में भी मदद करना। सरकार इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी मोबिलाइज करेगी और उसके साथ मिलकर फंडिंग पूल डेवलप करेगी 1,00,000 करोड़ का, तो इसे भी आप ध्यान रखना। स्पेस इकोनॉमी भी फोकस में होगा, सरकार इसके लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाएगी 1,000 करोड़ का जिससे स्पेस में काम करने वाले स्टार्टअप्स को और रिसर्चर्स को सपोर्ट किया जाएगा। तो R&D एंड इनोवेशन पे सरकार का काफी फोकस है और इससे हमारा जो इकोनॉमी है वो काफी ग्रो करेगा और उससे लॉन्ग टर्म के लिए बूस्ट मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेजर इज प्रपोज्ड टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट इन बजट 2024-25। आंसर है सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। सरकार ने बजट में अनाउंस किया है कि वो IBC के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सेटअप करेगी जिससे IBC का जो आउटकम होगा वो इम्प्रूव होगा। इस प्लेटफॉर्म का एम ये होगा कि ओवरऑल प्रोसेस में कंसिस्टेंसी आए, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी हो और टाइमली प्रोसेसिंग हो जिससे लोगों को और जो भी कंपनीज IBC के लिए जाती हैं उन्हें फायदा हो। तो ये आप ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। इफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट। Thank you and happy learning.